नमस्कार, मैं हूं सौरभ श्रीवास्तव। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने पूरे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। तमाम राज्य सरकारें जो ये दावा करती थी कि उनके राज्य में इलाज की जो एक बेहतर सुविधा है, अस्पतालों की एक जो बेहतर व्यवस्था है, लेकिन जिस तरीके से कोरोना वायरस के चलते लोग संक्रमित हुए और ऑक्सीजन की जिस तरीके से कमी हुई, वो पूरे देश की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया कि राज्य की सरकारें और केंद्र की सरकार मेडिकल को लेकर के कितनी सजग है कि आम जन की जान भी चली जा रही है। ऐसे में जब कोरोना वायरस की दूसरी लहर के चलते ऑक्सीजन की बड़ी समस्या हो रही है, तो अब जहाँ केंद्र सरकार को विदेशों से भी सहयोग मिल रहा है, विश्व के लगभग 40 बड़े ऐसे देश हैं जो देश में भारत को ऑक्सीजन की एक तरीके से मदद दिए हैं, मेडिकल सामानों की मदद दिए हैं, तो अब राज्य सरकारें भी सजग होते हुए अपने अपने यहाँ जो है ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए नए ऑक्सीजन प्लांट जो है लगा रही। इसी कड़ी में हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में भी कोरोना वायरस के का जो एक दूसरा लहर है, उसमें ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की जान गई थी, और यहाँ भी जो है राज्य सरकार ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए नए प्लांट लगा रही है। हम आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में पिछले 24 कुछ दिनों में लगातार 24 घंटे काम करके 26 नए ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन के प्लांट बनाए गए हैं, जिसकी जो क्षमता है 25,000 प्रति लीटर एक मिनट में। मतलब आपको कह सकते हैं कि जिस तरीके की व्यवस्था अब राज्य की सरकारें कर रही है, अगर इस तरीके की व्यवस्था पहले से की गई रहती तो न जाने कितनी जिंदगियों को बचाया जा सकता था। हम आपको बता दें कि लगातार ऑक्सीजन की कमी के चलते हर राज्य से जो मौत की जो है खबरें निकल के सामने आ रही थी, लेकिन जब अब दूसरी लहर आई, अब ऑक्सीजन की जो क्षमता है देश में जितनी थी, उसकी जब सच्चाई एक तरीके से निकल के सामने आई है, तो अब लगातार अलग अलग राज्य अपने अपने यहाँ ऑक्सीजन के नए प्लांट लगा रहे हैं ताकि अस्पतालों को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर में भी पिछले कुछ दिनों में ही 24 घंटे लगातार काम करके 26 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए हैं, जिसकी क्षमता भी अच्छी है। ऐसे में अगर ये प्लांट सभी प्लांट से ऑक्सीजन जो है जो जिन अस्पतालों को दिया जाएगा, वहाँ पे जो कोरोना के मरीज हैं चाहे अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है, अब उनकी ज़िंदगी को भी बचाया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में हॉस्पिटल्स में ऑक्सीजन की सप्लाई को पूरा करने के लिए कई इकदाम उठाए गए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने 26 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स चालू किए हैं, जिनकी कैपेसिटी लगभग 25,000 लीटर्स पर मिनट है कुल मिलाकर। उससे पहले हमारे पास यहाँ पर यूनियन टेरिटरी में 21 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स थे, जिनकी कैपेसिटी लगभग 14,000 लीटर पर मिनट थी, और आने वाले दिनों में हम 52 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स और लगाने जा रहे हैं, जिनकी कैपेसिटी 48,000 लीटर पर मिनट होगी। तो इन कोशिशों की वजह से हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जल्दी से जल्दी हम ऑक्सीजन की जो पूर्ति है वो अस्पतालों में कर सकें।